हेलो फ्रेंड्स, हमने अपना लेह का 10 दिन का टूर दिल्ली से सितंबर मंथ के सेकंड वीक के लास्ट में स्टार्ट किया। 10 दिन के सफ़र की सारी प्लानिंग हम तीन दोस्तों ने खुद ही की। सबसे पहले हमने अपनी दिल्ली से लेह की स्पाइस जेट की फ़्लाइट बुक की, वो भी 3036 में ओनली। इतने कम रेट में हमने कैसे जो फ़्लाइट बुक की, इसका वीडियो मैं बना चुका हूँ, जो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फ्लाइट का मज़ा लेते हुए और अच्छी अच्छी सी चट्टानें बर्फ़ से ढकी हुई देखते हुए हम 1 hour 30 minutes में ले सिटी पहुँच गए। पहुंचने पर हम सबसे पहले मंडरावा गेस्ट हाउस, जो हमने booking.com से 4200 में 2 days के लिए 3 persons के लिए पहले से ही बुक किया हुआ था, वहां पहुंचे, जो कि एक बहुत ही अच्छा गेस्ट हाउस था। जहां गेस्ट हाउस में पहुंचकर हमने 4 to 5 hours के लिए रेस्ट की, क्योंकि ले जो है वो 3500 meters एल्टीट्यूड पे है, हमको हाई अल्टीट्यूड सिकनेस ना हो, इसलिए हमने 4-5 hours पहले टेस्ट की। जहाँ पर इसके बाद हम मेन मार्केट घूमने चले गए, जो कि इस गेस्ट हाउस से सिर्फ 800 मीटर की दूरी पर थी। वहां पर पहुंचकर हमने लाडी पंजाबी ढाबा से लंच किया, जो कि शुद्ध देसी घी में खाना बनाते हैं और उनका खाना बहुत ही टेस्टी था। इस मार्केट को जहां का डाउनटाउन एरिया भी कहा जाता है और ये मार्केट बहुत ही सुंदर है। फिर हमने जहां पर एक आर्टिस्ट को देखा, जो कि अपनी कला से सभी लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। हाँ, मार्केट में ही एक बुद्धिस्ट मिनिस्ट्री थी, फिर हम सभी लोग उसको देखने के लिए चले गए। अगर आप पहले से अपना टूर बुक करके नहीं आए हैं, तो जहाँ से आकर आप अपना टूर बुक कर सकते हैं, जहाँ पर मार्केट में बहुत सारे टूर एंड ट्रेवल्स वाले आपको मिल जाएंगे। हमने भी जामा मस्जिद के पास समसरा ट्रेवल्स कंपनी से अपना नेक्स्ट 4 days का टूर प्लान किया। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि हम इन 4 days में कहां कहां पर गए और हमने जो अपना टूर कितने में प्लान किया। सारे वीडियो सिर्फ 5-5 minutes के ही हैं। इसके बाद हमने गारमेंट शॉप से टी शर्ट ली और टी शर्ट के पीछे अपने नाम लिखवाए। ये टी शर्ट हमें पर टी शर्ट 250 rupees में पड़ी विद नेम। उसके बाद हम गुरुद्वारा दातन साहब चले गए, जो कि बाजार में बिल्कुल पास में ही है। ये गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी की याद में बना हुआ है, जब गुरु नानक देव जी चाइना तिब्बत से होते हुए जहां ले पहुंचे थे। इसके बाद जब हम दोबारा मार्केट में आए तो रात हो चुकी थी। फिर हमने एक तिब्बतीयन रेस्टोरेंट के टॉप फ्लोर के ऊपर बैठकर डिनर किया और वहां से ही जगमगाती हुई मार्केट के सीन्स को एंजॉय किया। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लोकल ले सिटी में घूमने वाली कौन सी टॉप 10 places हैं और कितने खर्चे में आप इनको घूम सकते हैं।